We are going to solve the next question of the same exercise 15A of class 6 maths book, question number 10. Your question is 4 squares tables with side 1.2 meter each are placed end to end to form one big rectangular table. Then what is the perimeter of this rectangular table? तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, थोड़ा आपको संभल के सॉल्व करना होगा. फोर स्क्वायर टेबल्स विद द साइड 1.2 मीटर. आप सभी बच्चों को पता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी लेंथ और ब्रेथ सेम होता है. इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. तो चार स्क्वायर है, इसका एक साइड है 1.2 मीटर. ठीक है, 1.2 मीटर. और ये जो स्क्वायर है एक साथ इन टू इंट रखा हुआ है, मींस एक साथ इन टू इंट रखा हुआ है. इट मींस एक दूसरा स्क्वायर ये हो जाएगा, थर्ड स्क्वायर इज दिस 1.2 मीटर एंड द फोर्थ वन इज दिस स्क्वायर. ओके, 1.2 मीटर. अब ये आपका स्क्वायर छोटा छोटा स्क्वायर है, फोर पीस के हैं और एक साथ इसको रखा हुआ है. अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगुलर का शेप ले चुका है. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर टेबल. ये जो रेक्टेंगुलर टेबल बन रहा है इसका पेरिमीटर हमें निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ पता करना पड़ेगा. ठीक है, ब्रेथ ऑलरेडी यहाँ पे 1.2 मीटर है. लेंथ आप लोगों का ये पूरा फोर जो बॉक्सेस है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.2 इनटू 4. ओके, वी विल गेट 4.8 मीटर. इट इज द लेंथ, दिस इज द LENGTH लेंथ एंड द ब्रेथ इज 1.2 मीटर इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल. सो वी हैव टू फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल. द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल द लेंथ इज 4.8 मीटर एंड द ब्रेथ इज 1.2 मीटर. ओके, 4.8 प्लस 1.2 वी विल गेट 6 मीटर. ओके, आप लोग ऐड कर लेना यहाँ पे साइड में 4.8 मीटर प्लस 1.2 मीटर. 8 प्लस 2 10 कैरी 1 4 1 5 1 6 मीटर. ओके, मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 विल गेट 12 मीटर. 12 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल एंड दिस इज द आंसर. आई होप ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग हियर. And please like, share and subscribe my YouTube educational channel. Thank you.